गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक नया दिन नया ब्लॉग, तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस अभी सुबह का 9 बज रहा है और अभी मैं जा रही हूँ, मैं और मेरे अब्बू जा रहे हैं वसीम भैया की दुकान। आज हम लोग बकरी का पाया लेने जा रहे हैं और आज मेरे अब्बू बहुत ही ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, तो चलिए गाइस सब चलते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। गाइस मैं वसीम भैया की दुकान में पहुंच चुकी हूं। माशाल्लाह आज वसीम भैया की दुकान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखा है। गाइस आज क्रिसमस का त्यौहार है इसलिए वसीम भैया की दुकान में इतना ज़्यादा भीड़ है। गाइस वसीम भैया बोले कि इन कस्टमर को निपटा लेता हूं, फिर उसके बाद आप सभी को पाया दूंगा। गाइस वसीम भैया की दुकान में आज मैं 2-3 घंटा बैठ गई और वसीम भैया आज मेरे को गाना भी नहीं सुनाए, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई। और ये देखिए वसीम भैया हम लोग को पाया दे चुके हैं, अब्बू झोला में डाल रहे हैं। तो चलिए अब फाइनली यहाँ से अब चलते हैं। अब्बू को कुछ अपना दवाई लेना है तो मेडिकल जाएंगे दवाई लेने के लिए, फिर मेडिकल से हम लोग जाएंगे सब्जी मार्केट। हम लोग को शाम के लिए सैलेड बनाने के लिए कुछ कुछ लेना है। और इधर देखिए ताज़े ताज़े खीरा है यहाँ पर, चलिए ले लेते हैं। मेरे अब्बू सैलेड बहुत खाते हैं और घर में टमाटर भी ख़त्म हो गया है, तो टमाटर भी ले लेंगे, यहाँ अच्छा अच्छा टमाटर है। तो चलिए गए सारा कुछ ले चुके हैं, अब चलिए चलते हैं घर। और घर जाके पाया को भी बनाना है। गाइस हम लोग पाया को लेके घर आ चुके हैं और इधर देखिए मेरे अब्बू गैस चूल्हा को बाहर निकाल लिए हैं और इधर पाया को बना रहे हैं, अच्छा बनेगा बाहर में। गाइस मेरे अब्बू 24 पाया लेके आए हैं और इसको लगता है दिन भर लग जाएगा बनाने में। और हम लोग गैस चूल्हा को बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि पाया को अंदर बनाते तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता घर। गाइस मेरे घर में मेरे अब्बू ही पाया बनाते हैं और मेरे अब्बू का मैं हेल्प कर देती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, मेरी अम्मी को तो नहीं आता है बनाने के लिए। और गाइस अभी स्कूल का हम लोग का छुट्टी है 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, और 2 जनवरी से हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। गाइस मेरे अब्बू सभी पाया को कट कर चुके हैं और इधर देखिए मेरे अब्बू धो रहे हैं, फिर उसके बाद उबाल देंगे कुकर में। गाइस इसको उबलने में 4-5 घंटा लगेगा, लगता है शाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कब तक उबलता है, तब तक से जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने घर को। गाइस मैं घर को झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ नींबू तोड़ने के लिए, चलिए देखते हैं फला है या नहीं। और कल से मेरे नाना का भी रात से तबीयत खराब हो गया है, इधर नाना बैठे हुए हैं धूप में और इधर मेरी मामी चावल चुन रही है और इधर सभी बच्चे खेल रहे हैं। गाइस ये नींबू के पेड़ में नींबू बरसात के मौसम में बहुत ही ज्यादा फले हुए थे, अभी तो ज़्यादा नहीं फला हुआ है, 3-4 ही दिख रहा है। चलिए एक नींबू अच्छे से पका हुआ है उसको तोड़ लेते हैं। और इधर देखिए गाइस मेरी क्यूट सी नानी कपड़ा उठाकर आ रही है, मेरी अम्मी भी कपड़ा धो के सुखवाई हुई है, मेरे को भी कपड़ा उठाना है। मेरी अम्मी बोली कि तुम चावल चुन लो, मैं ही कपड़ा उठा लेती हूँ। जा रही हूँ गाइस मेरी अम्मी जो कपड़ा उठाकर लाई है उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी अलमारी में। और गाइस आज मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, कल मेरे को बहुत ही ज़्यादा फीवर था और मेरे गला में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। अभी मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा सभी लोग का तबीयत खराब हो रहा है, वायरल फीवर हो गया है। गाइस मैं चावल के लिए पानी चढ़ा दी थी, गर्म हो गया होगा पानी, अब जा रही हूँ चावल को धो के डाल दूंगी। चावल को इंडक्शन में रख दी हूँ पकने के लिए और इधर देखिए मैं आई हूँ अभी तालाब साइड, बहुत ही ज़्यादा तालाब में पानी भर गया है। ये देखिए गाइस तालाब में कितना ज़्यादा पानी भर गया है और मेरे नाना बरसात के दिन में इसमें मछली भी डाले थे। और इधर देखिए मेरी अम्मी सेमी जगाई है, कितना बड़ा बड़ा मस्त हो गया है। बबली अब्बी क्या कर रहे हैं? बबली अब्बी कुछ नहीं, सेमी को देखने के लिए आई थी। क्या हुआ
काटा गया है, काटा है यहाँ पर। गाइस ये देखिए शाम होने वाला है और मेरे अब्बू कुर्सी में बैठ के पाया को उबाल रहे हैं और इधर मेरी अम्मी मसाला निकाल रही है, लहसुन सबको छील रही है। मैं भी प्याज वगैरह को काट देती हूँ। और गाइस ये प्याज इतना ज़्यादा तीखा है कि मैं प्याज को काटते काटते रोने लगी। मैं प्याज को काट चुकी हूँ और मेरी अम्मी बोल रही है कि आटा को भी गूंद दे, तब तक से मैं मसाला पीस लेती हूँ। गाइस पूरा एक पैकेट कर आटा का रोटी बनाऊंगी आज, और क्योंकि मेरे नाना और नानी का भी दावत है हम लोग के घर में। चलिए गाइस आटा को गूंद लेती हूँ, फिर अबू से पूछूंगी कि अभी तक पाया उबला या नहीं। रात हो गया है और आज चूल्हा में ही पाया को बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है चूल्हा का बनाया हुआ। गाइस कुकर तो सीटी मार चुका है, अबू खोल के देख रहे हैं कि पका या नहीं। गाइस अबू बोल रहे हैं कि ये अभी अच्छे से गला नहीं है, इसको और उबालना पड़ेगा। चलिए तब तक से रोटी बना लेते हैं। एक तरफ मेरी अम्मी बेलते जाएगी और एक तरफ मैं सेकते जाऊंगी रोटी को। गाइस आज पता चला कि पाया का सब्जी खाने में कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सुबह से रात हो गया पाया बनाते बनाते, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। गाइस रोटी बन चुका है और इधर मसाला भुजा रहा है और पाया भी उबल चुका है। सो गाइस मेरे अबू पाया का सब्जी बना चुकी है और रोटी भी बन गया है और नाना नानी का आज हम लोग के घर में दावत है, तो चलिए अबू को भी भूख लग रहा है, नाना नानी और अबू को दे देते हैं खाने के लिए। अबू को बहुत तेज भूख लगा है, आज दिन में भी खाना नहीं खाए थे, पाया बनाते बनाते थक गए हैं आज मेरे अबू। नानी बोल रही कि ले तू ही खा के बता कैसा बना है। गाइस आप सभी ने कभी नहीं खाया होगा इतना टेस्टी पाया जो मेरे अबू ने बनाया। ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है। गाइस अब मैं जा रही हूँ बाहर में, कुछ लोग बाहर में बैंड बजा बजा के डांस कर रहे हैं। गाइस आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, तो सभी लोग मिलकर अपना त्यौहार बना रहे हैं। और गाइस इन लोग का डांस करने का थोड़ा स्टाइल यूनिक होता है, सभी लोग गोल बनाकर डांस करते हैं। सो गाइस मैं डांस देख के घर आ चुकी हूँ और खाना वाना भी खा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।